मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, नए नियम के सवाल इस भाग में आज मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय हम 28 से लेकर पढ़ेंगे। उसमें 31 वचन में एक सवाल है, उसको हम ध्यान करेंगे। पूरा 4-5 वचन पढ़ेंगे, उसमें हमको समझ में आएगा। 28 मत्ती 21 28, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पगले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बात में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पगले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएँ तुमसे पगले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि युगना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बात में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। प्रिय भाई बहनों, इधर यीशु मसीह एक दृष्टांत को बताते हैं, दो पुत्रों का दृष्टांत। उसमें इससे हमको पता चलता है दुनिया में हम दो भाग, इधर यहूदी लोगों के बारे में प्रभु बता रहे हैं, उधर दो ग्रुप उसके सामने थे। यीशु मसीह जब उपदेश दे रहा था, दो ग्रुप, पहले ग्रुप क्या गए, अब महसूल चुंगी लेने वाले, पियाकट लोग, समाज में बहुत हत्या करने वाले, पाप करने वाले, बार बार जेल जाके आने वाले, वेश्याओं, ये सब एक ग्रुप हमेशा प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए आते थे। दूसरा झुंड क्या, धर्मगुरु लोग, फरीसी लोग, सदुकी लोग, महायाजक लोग, मंदिर में जो जो बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोग, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह का सुनने के लिए वो लोग पीछे पीछे आते थे। ये दो ग्रुप को देखकर प्रभु ये दोनों ग्रुप को, दो पुत्र, एक बड़ा पुत्र छोटा पुत्र, इसमें वो कर रहा है, तुलना कर रहा है। हम इसमें कन्फ्यूज नहीं होना गए, क्योंकि हमको मालूम नहीं कोई वे पुत्र के बारे में। उड़ाव पुत्र में दूसरा पुत्र परमेश्वर से दूर गया और मन फिर कर आया, लेकिन इधर अपोजिट गए, दूसरा पुत्र है, वो दूसरा पुत्र मन फिरा नहीं है, पहले पुत्र मन फिरा, इसलिए उसको कन्फ्यूज नहीं करना गए। हम देखें ये ऐसे प्रभु इधर क्या बोलना चाहते हैं। आप लोग जो फरीसी सदुकी लोगों को देखकर वो बता रहा है, बागर ये दूसरा पुत्र को देखिए क्या बोल रहा है। तुम जाओ करके बोलने के समय में वो क्या बोल रहा है, जी हाँ जाता हूँ, ऐसे बोल रहा है, लेकिन गया नहीं है। लेकिन जो पहले पुत्र है वो मैं नहीं जाऊँगा, सीधा बोल दिया, कठोर जैसे लग रहा है, बागर खटक लग रहा है, परमेश्वर को मना किया गया लग रहा है, लेकिन वो बात में पछताया, पछता कर गया करके प्रभु का इच्छा, उसका डाकबारी में जाकर काम किया, प्रभु का इच्छा को पूरी किया। प्रिय भाई बहनों, इधर ये दो ग्रुप में, एक ग्रुप कब सोचिए परिसी सदी के लोग बागर अच्छी रीति से, वो लोग लंबा लंबा वस्त्र पहनकर ऐसे जो रीति रिवाज गए सब वो लोग पूरा करते थे, लंबा लंबा लंबी लंबी प्रार्थना किया, दान दिए, सब लोग देखने का समय में ऐसे बड़ा बड़ा रकम रखा, दान पेटी में डाला, वो लोग ऐसे मनुष्य लोगों के सामने, वो लोग साधारण लोग क्या सोचते होंगे उस समय उस जमाने के, वो लोग सोचते होंगे ये फरीसी सदुकी महायाजक लोग ही पूरा व्यवस्था को अच्छा से पूरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो लोग स्वर्गीय राज्य में
पहले जगह में जाएंगे, रखेंगे पहले वो लोग जल्दी, मतलब स्वर्गीय राज्य में, स्वर्ग में उनके लिए जगह मिल गया ऐसे सोचे होंगे। लेकिन अपना बारे में क्या क्या सोचते होंगे, हमको तो नहीं है, हम क्या ऐसे हम नहीं कर पा रहे हैं, जो फरिश्ते कर रहे हैं वो सब रीति रिवाज हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे एक ग्रुप हो सकता था, हम कैसे जा पाएंगे। तीसरा एक ग्रुप, वो तो पियागट लोग है भाई, वेश्याओं, वो चुंगी लेने वाले, वो लोग क्या उसको पता है, वो लोग बागर अंदर एक ही है, उनका अंदर जो है विचार है बागर वही है, दिखाते हैं सब लोग जानते हैं ये पिका है, ये पियागट है, एक वेश्या है, ये चुंगी लेने वाला धमकी देकर घूस लेकर इतना पैसा बना रहा है, ये लोग तो जाएंगे ही नहीं है। ऐसे बागर देखने के समय में ऐसे दिखता है, ये अब पुत्र भी, बड़ा पुत्र भी बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मुंह पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन बात में पछता कर गए। ऐसे इधर जैसे यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया, वैसे ही कितने लोग, कई लोग मसीह समाज में भी अपना अपने लिए मतलब वंचित किए हुए हुए, वंचित मतलब क्या, अपने आप को वंचित कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं हम ये कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, रोज बेल बजने के पहले ही हम चर्च में चले जाके बैठ जाते हैं, गरीब लोगों को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ऐसे हम मेकअप नहीं कर रहे हैं, दूसरा वाला जैसे ऐसे नहीं समय समय पर प्रार्थना में जो जो आराधना हम जा रहे हैं, जो जो दिन विशेष दिन है उसको मना रहे हैं, कितने लोग ऐसे सोच कर बैठे हैं। लेकिन जब प्रभु मन फिरने के लिए उनको बुलाते हैं, वो लोग उनकी आवाज़ को सुनते नहीं। योगना बपतिस्मा देने वाला मरुस्थल में, मतलब ऐसे जंगली जगह में, उसके बारे में परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का आवाज़ है जो पुकार कर बोलने वाला आवाज़ जंगल में, वही है परमेश्वर का आवाज़ आ रहा है, मन फिरो, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन उस आवाज़ को जो ऐसे चुंगी लेने वाले वेश्या लोग बहुत बुरे परिस्थिति में हैं, वो लोग सुन लिया, क्योंकि वो लोग को मालूम है हम पापी हैं, हमको मन फिरना आवश्यक है, इसलिए हम जाएंगे करके भीड़ भीड़ में वो लोग जाकर बपतिस्मा पाकर प्रभु के बच्चे बन गए हैं, स्वर्गीय राज्य में वो लोग शामिल हो गए हैं। लेकिन ये जो दूसरा झुंड है, दूसरा लड़का समान, मैं तो ठीक ठाक हूँ, कितना जी हाँ करके जवाब दे रहा है, जो भी बागर से देखेंगे वो लोग सोचेंगे ये कितना अच्छा लड़का है। लेकिन अंदर प्रभु की जो आवाज़ है, मन फिरने के लिए आवश्यकता है तुमको मन फिराओ करके जो आवाज़ है, उसको पहचान नहीं पा रहा है, उसको आधीन नहीं रख पा रहा है, प्रभु का इच्छा पूरा नहीं कर पा रहा है। हम अपने आप को हम सोच के देखेंगे, हम रोज मन फिरना है। पौलुस को देखिए, सीखने के लिए चाहता है, पाने के लिए चाहता है, और भी फिलिपियों को पुस्तक में वो बोलता है मैं और भी मुझे पाना है, और भी सीखना है, और भी मसीह समान बनना है, क्योंकि हम सबके वो मालूम है जो जो उद्धार पाए हुए प्रभु के बच्चे लोग को भी मालूम है, हमारा आत्मा केवल पूरा पूरा उद्धार पाया, हमारा मन और शरीर में अभी भी पाप चिपक रहा है। इसलिए यीशु मसीह भी बताए, जो नहाया हुआ व्यक्ति पूरा शुद्ध है, लेकिन पांवों को जो जमीन से कांटेक्ट में है, मिट्टी में कांटेक्ट में है, उसको बार बार धोना पड़ेगा। हमारा मन शरीर को पवित्र रखना तो हमारा पांव जैसा है वो बार बार धोना पड़ेगा। मन फिरा, आखिरी दिन जिस दिन हम श्वास छोड़ेंगे, नहीं तो प्रभु का आगमन आएगा, गुप्त आगमन, उस समय तक हमको मन फिरना है। मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश है, उसमें प्रभु बोलते हैं पहले वचन, जो मन के दीन है वो लोग स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन है मतलब क्या, अपना आपके बारे में एक समझ, ये परिसी सद के लोगों को वो समझ नहीं है, वो लोग हम धर्मीय करके सोच रहे थे,
हम चंगे रहते हैं करके सोच रहे थे। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे थे तुम लोग बीमार है, बीमारी है तुम्हारे लिए, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं हम बलि चंगाई में गए, हमें कुछ वैद्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चुंगी लाने वाले वेश्या लोग, बहुत हथियार करने वाले, झगड़ा कर, ये लोग को मालूम है हम चंगा नहीं है, हमारा जीवन में हम पापी हैं, हम बीमार में हैं, ऐसे सोच के ऐसे वो लोग को चंगाई मिल गया। वैद्य के पास वो लोग आते हैं हमेशा हमेशा। हमारा मन में ये होना चाहिए और भी मुझे पाना है। पौलोस वो बोला तो प्रिय भाई बहनों, हम सबको बोलना चाहिए मुझे पाना है, मैं पा चुका हूँ। कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, और भी प्रभु जो जिसको मतलब प्यासा है प्रभु, और भी उनको देंगे। प्रभु बोल रहे हैं तुम्हारा मुंह को अच्छा से खोलो, मैं भलाई से तृप्त करेगा। जो फरीसी सदी के लोग, वो लोग सोच रहे थे मुझे भूख नहीं है, पूरा पेट भरा हुआ है, मुंह को बंद करके रखा तो उनको कैसे प्रभु भरेंगे। हमको हम चिड़िया में कुछ घोंसला में देखिए, जो तीन चार बच्चे होंगे चिड़िया का, जो बच्चा मुंह को बार बार मम्मी लेके आती है खाना, बार बार मुंह को इतना बड़ा बड़ा खोलता है, उनको ही देते रहता है। वही है जो मुंह ज़्यादा खोलेंगे, जो महसूस करेंगे मुझे कमी है मेरे जीवन में, मन फिरने का आवश्यक है, मुझे और भी सुधरने का आवश्यक है, ऐसे लोगों को प्रभु बार बार पवित्र जीवन में और भी आगे आगे लेके जाएंगे। जो पहले से मुझे, मैं तो सब कुछ जान लिया हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, ऐसे सोचने वालों को क्या करेंगे, वो लोग मन फिरेंगे नहीं। हमको मालूम है दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, एक चुंगी लेने वाला, एक परसी। चुंगी लेने वाला दूर में रहकर अपना छाती को पीट रहा है, आंसू भी बगाया होगा, स्वर्ग की ओर भी देखने के लिए लायक नहीं है करके ऐसे नीचे देखते हुए वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहा है। उसको पता है वो आजू बाजू लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उनका पता पहले से आजू बाजू लोगों को मालूम है मैं पापी हूँ, मुझे भी मालूम है मैं पापी हूँ, जाने दो, छाती पीट रहा है, ऐसे आवाज के साथ प्रार्थना कर रहा है, मुझे पापी पर प्रभु दया कर। प्रभु उनको धर्मी बनाकर घर में भेजा। लेकिन जो फरीसी जो उधर क्या बोल रहा है, वो जब परमेश्वर का मंदिर में जाकर, वो परमेश्वर के बारे में भी मालूम नहीं उसको, उसका पवित्रता क्या है, धर्मिकता क्या है, वो बोल रहा मैं दो बार हफ्ता में उपवास कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये झुंगी लेने वाला जैसे मैं नहीं हूँ, कंपेयर तुलना कर रहा है। वो ऐसे पापी होकर ही घर गया, मंदिर में आया, खड़े होकर प्रार्थना किया, उसके लिए समय लेकर आया, सब व्यर्थ है। मंदिर में आने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ उसको। लेकिन जो ये चुंगी लेने वाला, अपना आप को हम जांचना चाहिए, जांच कर देखना चाहिए, हमारे जीवन में कमी कटी जरूर होगा। कोई भी हमारे जीवन में प्रेम में हम कभी अभी सिद्ध नहीं हुआ, सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। अभी भी हम प्रेम में चलने में सब लोग कमी घटी है प्रिय भाई बहनों। हम कितने चीज़ों में हम चुक जाते हैं, याकूब लिखता है हम कई चीज़ों में हम चुक जाते हैं, हमारा मुंह के शब्दों में परफेक्ट नहीं बना है, याकूब लिखता है। याकूब कौन है? यीशु मसीह का भाई है, वो लिखता है इतना। वो यीशु मसीह के साथ साथ 30 साल उसके साथ साथ बड़ उनका पालन पोषण हुआ, बड़ा उनके साथ ही। यीशु मसीह को देखा होगा, उनका चाल चलन को देखा होगा, और कलीसिया में जुट गया। उसके बाद में भी वो बोल रहा है हम कई चीज़ों में हम चुक जाते हैं, गलतियां कहीं करते हैं, हमारा मुँह के शब्दों में कोई भी बोल नहीं सकता है यीशु मसीह जैसे मैं कुछ भी मैं मेरा सब में परफेक्ट हूँ नहीं है। जब हम ऐसे महसूस करेंगे तब हम परमेश्वर का आवाज़ जो है मन फिरो, उस आवाज़ को पहचान पाएंगे और मन फिरेंगे, प्रभु का आशीष पाएंगे। लेकिन जो ये
छोटा पुत्र जैसे इधर है वो हाँ जी हाँ जाऊंगा करके ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा मीठा मीठा बात बताकर बात में प्रभु का आवाज़ सुना नहीं है, उसका बात नहीं माना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। वही बोल रहे हैं प्रभु, सब लोग बाप तुम्हारे तुमसे पहले वो लोग चले गए, वो लोग जा रहे हैं स्वर्ग की ओर, लेकिन आप लोग अभी तक अंधा जैसा ऐसे वो लोग आप लोग घूम रहे हैं अंधेरे में, लेकिन आप बोलते हैं हम अच्छा से देख रहे हैं। एक अंधा व्यक्ति ऐसे बोलेंगे तो आपको कितना अजीब लगेगा। एक बड़ी बीमार में पड़ा हुआ एक व्यक्ति, सब लोग को पता है ये बीमारी है, बीमार है, बोला मैं तो बीमार नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही अच्छा हूँ करके। कोई कोई बीमार इतना अंदर रहता है, कोई कोई लोग बाहर देखने के लिए इतना सुंदर लगते हैं, अच्छा दिखते हैं शरीर में, लेकिन कोई कोई बीमारी उनका शरीर का अंदर रहता है, केवल उनको ही पता है, जब डॉक्टर को पता है। वैसे ही हमारा अंदर जो जो कमी कटियाँ हैं, मन फिरने का जो जो चीज़ें हैं, हमारा अंदर रहता है, बाहर किसी को दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं और हम जानते हैं। एक सेवक बताया था रिसेंटली, ऐसे कोई कोई ऐसे पाप के लिए माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मैं अज्ञानता से कुछ पाप किया तो भी माफ़ कीजिए, लेकिन वो सेवक बता रहा था कोई भी अज्ञानता से पाप नहीं करेंगे, दिल की गगराई में पता है आप पाप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो वो पाप है। लेकिन मनुष्य क्या बोलते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के पास आकर बोलते हैं प्रभु अज्ञानता से मैं कुछ पाप किया तो मुझे माफ़ कीजिए। कितना ये है, ऐसा नहीं है प्रिय भाई बहनों। हम अपने आप को जांच कर देखें, हम अपने आप को वंचित न करें। पहले योगना का पुस्तक में योगना लिखता है, क्या लिखता है, हम अपना आप को विश्वासी लोगों को लिखता है, पाप नहीं किया करके नहीं बोलो, नहीं बोलो, कोई भी ऐसे नहीं बोलना है। पहले योगना का पहले पत्री में पहले अध्याय में दसवां वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम पापों को हम कबूल करेंगे, प्रभु हमारा सारे पापों से यीशु मसीह का लहू धो देता है, और वो उस मेरी का सातवां वचन में पढ़िए, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ये युगना जो पवित्र प्रेरित यीशु मसीह को ज़्यादा प्रेम किया, यीशु मसीह भी उसको ज़्यादा प्रेम किया, यीशु मसीह का ज़्यादा प्रेम को ज़्यादा पाया हुआ व्यक्ति लिखता है, हम कुछ भी हमारा अंदर कुछ पाप नहीं करके हम बोलेंगे हम अपना आप को धोखा देते हैं। यही फरीसी सदूकी के लोग किए, हम ऐसे ना करें, हम ऐसे अपना आपको जांच कर देखें। बाहर से सब लोग बोलते होंगे वो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। तभी एक बार मेरा मम्मी ने बता रही थी, मेरे पापा को कैंसर आया था, कैंसर में वो पीड़ित थे, तब मेरी मम्मी रो रो के बता रही थी, सब लोग बोल रहे हैं वो अब सर आपको किसी को कुछ ये नहीं किया, अब कुछ इतना अच्छा धर्मी व्यक्ति है, अब कुछ भी किसी को बुराई नहीं किया, आपको क्यों ये बीमारी आया करके सब लोग पूछ रहे करके मम्मी बोल रही थी। तब मेरा उत्तर क्या है, थोड़ा कठिन लगता था मेरे मम्मी को, फिर भी मैं बोल दिया मम्मी ऐसे मत सोची, हम कोई भी सिद्ध नहीं है, पापा के बारे में बाहर से सब लोग बोल रहे हैं पापा अच्छा व्यक्ति, सही में वो अच्छा व्यक्ति था, बुरा नहीं किया, मतलब ऐसे पब्लिक के लिए जो पिया कट नहीं था, पत्नी को पिटाई नहीं करता था, कुछ ऐसे बच्चों को अच्छा से संभालता था, अपना जिम्मेदारी निभाता था, लेकिन इससे हम नहीं बोल पाएंगे वो किसी को कुछ बुराई नहीं किया, ऐसा मत बोलिए। हम सब पापी हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके बलिदान के द्वारा प्रभु हमें धर्मी बनाया है। हमारा अंदर अभी भी हमारा मन में शरीर में पाप हम करते हैं, इसे हम ऐसे आप ऐसे मत सोचिए पापा कितना अच्छा है, उसको क्यों इस बीमारी आ गया करके। सब मनुष्य लोग पापी हैं, सब
विश्वासी लोग भी प्रभु के धार्मिकता से प्रभु में डांपा गए, नहीं तो अपना खुद का धार्मिकता वो पूरा गंदा है, गंदा वस्त्र जैसा है करके मैं बताई। मम्मी फिर हाँ सही है ऐसे बोल रही थी। इसलिए हम ध्यान से रखें अपना बारे में, हम ऐसे दूसरे लोग बोलते हैं सिस्टर कितना अच्छी है, वो कुछ ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, नहीं अपना आपको जांच के देखिए, दूसरे लोग बोल सकते हैं। इसलिए कभी कभी चर्च में ऐसे कुछ बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, कुछ उनका परिवार दारू बनाने वाले परिवार से आए हुए, कुछ वेश्या का परिवार से आए हुए, कोई ऐसे बड़े पापी है या तो खूनी है उनके परिवार से जो आते हैं, वो लोग बोलो तुरंत मन फिरते हैं, पाप की क्षमा मांगते हैं। वो लोग को मालूम हम बाका ऐसे धार्मिक परिवार से हम नहीं आए, लेकिन वो लोग को भी कलिशा में हम स्वीकार करना है। ऐसे नहीं सोचना ये क्या इनका बैकग्राउंड ऐसा है, ऐसा नहीं है। प्रभु उनको स्वीकार किया क्योंकि वो लोग मन फिराया, प्रभु के पास आए, उद्धारकर्ता के पास आए, इसलिए हमको उनको स्वीकार करना है। वही प्रभु स्वीकार करते हैं। वो जो उड़ाव पुत्र है साहब, उनका पापा का सब कुछ ये किया गया, वेस्ट किया, वेश्याओं के साथ संबंध रखे, अपना चरित्र को बिगड़ा, अपना पापा का भी जाए भी माँ नाम को भी अपमान किए होंगे, लेकिन सब खर्चा वो कर दिया, धन संपत्ति वेस्ट किया, फिर मन फिर कर आया तो पिता उनको इतना अच्छी रीति से स्वीकार किया। प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे रहें, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। हमें